स yes. आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिबिलिटी हाईएस्ट कंफ्यूजन होता है अक्सर इसके क्वेश्चंस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर uh, नहीं होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिबिटी में तो आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल हर जगह प्रॉब्लम आएगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी आएगा और इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है उसका रीजन भी बताता हूं और मैं श्योर हूं कि सेशन के एंड होने के बाद एक तो बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ोगे आप यूनिक मेथड से पढ़ोगे बिना कम से कम स्टेप में आप टफेस्ट से सफेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यानी कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद फिर चाहे आप जेई e का क्वेश्चन करना चाहो चाहे फिर आप एनडी का करना चाहो एमसी का करना चाहो किसी भी एग्जाम का इलेवन ट्वेल्थ का आपको बनेगा जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होगी और उस सिंपल सी टेक्निक में मिनिमम स्टेप में आप कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिविटी चेक कर पाएंगे और फिर आपको आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है द फंक्शन एफेक्ट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉस टू एक्स माइनस वन बाई टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिस एट अब जैसे ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला क्वेश्चन है जे एडवांस का क्वेश्चन में लिखा है मैं भी आपको हर एग्जाम्स के क्वेश्चन यहां पर करवाऊंगा किस ढंग से करना है तो पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको कंटिन्यूटी की थ्योरी थेप्ट बता दूं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए आप आगे मिस्टेक ना करें कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है मैंने लिमिट के साथ बताया है एक बार फिर बता दूं कि अगर कोई फंक्शन में गैप नहीं आ रहा है उसे हम कंटिन्यू बोलते हैं कंटिन्यू ये भी है इसमें भी गैप नहीं है पर इसमें एक पीक मिला है तो आगे चल के आपको इन फंक्शन की डिफरें स्मूथ कर्व है तो डिफरेंशियबल होगा स्मूथ नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं होगा ये भी कंसेप्ट ठीक होगा अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है और एक इनपुट देने पर कोई पर्टिकुलर ये जुड़ जाए तो भी हम इसे कंटिन्यूटी ही बोलते हैं यानी ये ब्रेक था आपने एक इनपुट दिया ए और ये कनेक्ट हो गया आपस में ए माइनस एच ये मैंने लिमिट में बताया था लिमिट इसका बेस है ए प्लस एच अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने से फंक्शन आपस में जुड़ जाए ग्राफ फिर कहीं नहीं टूट रहा हो तो हम इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट भी होती है तो पॉइंट की कंटिन्यूटी का मतलब होता है पॉइंट के लेफ्ट और राइट right को चेक करना और कंटिन्यूटी इंटरवल भी होती है तो इंटरवल जब भी बोले जब पॉइंट कंटिन्यूटी बोलते हैं तो जिस पॉइंट से बोला उसके लेफ्ट राइट नेबर को चेक करना होता है और इंटरवल बोला जाए तो इस पूरे इंटरवल के दौरान फंक्शन को कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए यानी b और b के पहले a और a के बाद फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए बेसिक लॉजिक ये और जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं आगे जाके उन्हीं फंक्शन में डिफ्रेंशिविटी मिलती है यानी हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं यानी हम उस कर्व पर टेंजेंट ले सकते हैं कि नहीं ये हम उसका एडवांस पार्ट डिफरेंशिबिटी मतलब है टेंजेंट हम कर्व पर ले सकते हैं कि नहीं तो जब कर्व स्मूथ होगा तो टेंजेंट ले पाएंगे है ना तो ये आपको कुछ बेसिक सिंपल वर्ड से समझा रहा हूं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाऊंगा आप भी उलझ जाएंगे कई बार यही होता है बुक में भी हमें जो लैंग्वेज दी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए कंफ्यूज होते हैं तो ये कंफ्यूजन आपका हंड्रेड परसेंट दूर हो जाएगा बस आप ध्यान से सुनिए समझिए एंड देन फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और फंक्शन के टोटल लॉजिक लगेंगे वो भी साथ में बताता हुआ चलूंगा जहां पर जो चीज लगेगी वो जरूर बताऊंगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की तो कंटिन्यूटी की करते कैसे क्वेश्चन वो और मैं आपको शॉर्ट में कैसे बताऊंगा वो बताता हूँ मतलब मैं आपको सिंगल सिंगल स्टेप में कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिविटी के क्वेश्चन करवाऊंगा टफेस्ट टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे अब देखिए क्या करना है सुनिए ध्यान से अगर कभी ऐसा दिया है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स तो इसका मतलब यह होता है और मान लो ये इक्वल टू एल दिया इसका मतलब यह होता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है एक्सटेंस टू एक्स मतलब आप मानते ये हो मैं सीधे शॉर्टकट में आने वाला हूं, x equal to a minus h x टेंड्स टू क्या दिया है a देयरफॉर s टेंड्स टू 0 ये इसमें रख के सॉल्व करते हैं ऑन वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ये काम आप लिमिट में करते थे लेट x equal to a plus h x टेंड्स टू a देयरफॉर s टेंड्स टू 0 और फिर आप निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच राइट अब मान लो ये भी एल हो और ये भी एल हो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो अगर हम लिमिट पढ़ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और अगर ये इक्वल न हो लेफ्ट हैंड लिमिट रॉट इक्वल टू है तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट यानी हम पर्टिकुलर इस ए पर फंक्शन के बिहेवियर को देख रहे होते हैं नॉर्मली जब लिमिट दी होती है तो या तो फंक्शन जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में होता है यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल दी हो तो हम लिमिट देखते हैं और अगर यही वैल्यू यही तीनों इन दोनों के बीच को ज्वाइन कर रहा हो क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब यह होता है कि एल की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब भी एल की तरफ है ना इसका मतलब यही है ना फंक्शन एल की तरफ इसका भी मतलब है फंक्शन एल की तरफ पर ना ये एफ एक्स एल है ना ये एल है तो ये दोनों ही एल की तरफ मूव कर रहे हैं मान लीजिए अब ठीक अगर एफ ए पर ये एल हो जाए क्योंकि एक्सटेंस टू ए का मतलब ए बी नहीं होता यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कम कई बार हम नहीं समझ पाते अब ये तीनों ज्वाइंट हो गए तो फंक्शन कंटिन्यू हो गया यानी कंटिन्यूटी का लॉजिक ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट राइट अगर यह तीनों इक्वल हो तो हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इसकी शॉर्ट तरीका मैंने यह बताया ये लिमिट विमिट कुछ मत लिखना कुछ मत लिखना आप सीधा एफ ए माइनस एच एफ ए और एफ ए प्लस एच निकालना ठीक लिमिट के लिए भी मैं यही तरीका बताता हूं कि लेफ्ट हैंड एफ ए माइनस एच निकालना होता है इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और एफ ए प्लस एच निकालना होता है एच की लिमिट हमेशा जीरो इसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं अगर लिमिट की बात कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए और यदि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यू एफ ए के इक्वल होना चाहिए अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा यानी ये बेसिक फंडा है इसका अब जब बात करते हैं ये कंटिन्यूटी की बात हुई अब बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हम अगर समझें

अभी आप क्वेश्चन देखना कि कैसे करना है तो अब आपको क्या करना है ए माइनस एच ए प्लस एच और एफ ए निकालना ये तीन चीजें निकाली देखिए फिर ध्यान देना सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड हैंड लिमिट लिमिट राइट इतना कुछ नहीं करना है आपको केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है जिसको अब हम शॉर्ट में लिखेंगे एफ ए माइनस एच राइट हैंड लिमिट निकालनी है जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ए प्लस एच अगर आप अब ध्यान देना तीनों टॉपिक बल्कि मैं आपको एक तरह से लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएट तीनों का फंडा एक साथ समझाऊंगा। अगर आपको लिमिट करनी है चेक तो केवल एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच होना चाहिए यानी एच की लिमिट हमेशा जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़े थोड़ा सा इससे अगर आगे बढ़े कि अगर मुझे कंटिन्यूटी निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ एक्वल टू एफ ए प्लस एच ये हो गई सेकेंड स्टेप और जब बात करते हैं डिफ्रेंशियबिलिटी की जब बात करते हैं डिफ्रेंशिबिलिटी की तो क्या करना होता है तो सिंपल जब बात की, की जाएगी तो आपको डेरिवेटिव देखना होता है यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन करते हैं एल एफ डैश एक्स जो कि होता है एफ ए माइनस एच अगर ए पे बात करें हम मान लो माइनस एफ है अपॉन एच ऐसे ही पर्टिकुलर पॉइंट राइट हैंड डेरिवेटिव की एट एक्स इक्वल टू ए पे हम ये सब कर रहे हैं ठीक है बेटा वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पे हम ये सारी चीजें कंसेप्ट बना रहे हैं राइट हैंड लिमिट ली तो राइट हैंड लिमिट में होगा आर एफ डैश है ये कितना हो जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ है अपॉन एच यहां पर माइनस एच आएगा यहां पर प्लस एच आएगा अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए तो हम बोलेंगे नॉन शियबल यानी कितना सिंपल सा अप्रोच हुआ तीनों टॉपिक कितने रिलेटेड है ये दो निकाला कंटिन्यू लिमिट पता चल गया इसमें एफ ए निकाला कंटिन्यूटी पता चल गया और यही तीन वैल्यू को यही तीन वैल्यू को किस किस को ए माइनस एच एफ ए प्लस एच को अगर मैं इस फॉर्मुले में और इस फॉर्मुले में पुट कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा और अगर ये इक्वल हुए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफ्रेंशियबल है और डिफरेंशियबल का मीनिंग लॉजिकली होता है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं देखिए कितना सिंपल तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं बात समझ में आई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हो तो हम बोलेंगे डिफरेंशियबल अब मैं कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट बताऊंगा आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए बहुत ही इजीली और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं इसमें वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है चलिए तो आप बात करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं पर इससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके सारे फंडे सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं सारे कंसेप्ट मान लीजिए कि अगर कभी लिमिट में यह क्वेश्चन आ जाए इसको ग्राफ से भी समझाऊंगा ग्राफिकली भी ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं मान लो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो लिमिट एक्स टेंस टू टू मॉड एक्स माइनस टू चलो सिंपल और सिंपल लेते हैं चलो, चलो चलो चाहिए ले लेते मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू ठीक है मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं ऐसा एक फंक्शन है इसे सिग्नम फंक्शन बोलते हैं है ना ये एट टू पर इसके बारे में हम बात आपसे करेंगे टू या टू के आगे पीछे अब देखिए जो भी फंक्शन लिमिट में ऐसा हो जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाता हो या जिसमें मॉड लगा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी करते हैं अब मैं इन सबको शॉर्ट में बताऊंगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है टू से कम बस सीधा ऐसा लिखा करो लिमिट वगैरह लिखना छोड़ दो टू माइनस एच माइनस टू टू माइनस एच माइनस टू मॉड माइनस एच माइनस एच मॉड का मतलब प्लस ये माइनस तो आपको मिला माइनस वन राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो एफ टू प्लस एच टू प्लस एच माइनस टू टू प्लस एच माइनस टू मॉड एच अपॉन एच ये देखो प्लस वन जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं हुई समझना आप बहुत बेसिक एग्जांपल से क्या होता है आप कॉम्प्लिकेटेड करके करते पढ़ते हैं टॉपिक जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजीएस्ट कैसे कर सकता हूं ये मैं आपको सिखा सकता हूं यही मेरी यूएसबी है और यही बच्चों को पसंद आती है. कि कॉम्प्लेक्स complex से कॉम्प्लेक्स चीज कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज सिर्फ डफे से, से सफेद चीज को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें ये पढ़ने का होना चाहिए और हम कई बार क्या करते हैं गड़बड़ क्योंकि मैं इतने स्टूडेंट को देखता हूं आते हैं कि सिंपल चीजों को भी हम टप बना रहे होते हैं इवन लाइफ में भी हम यही फॉलो करते हैं कि जो सिंपल चीज भी है वो भी हम टप बना रहे होते हैं इससे आपको बचना है अब देखो क्या हुआ ये लेफ्ट हैंड हो गया ये राइट right हैंड हो गया ओके okay, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है अगर लिमिट इक्वल नहीं है अगर लिमिट के टर्म में ये क्वेश्चन होता तो मैं विद इन अ सेकेंड बोल देता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी लिमिट के इस क्वेश्चन का आंसर होता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक अब एक बात समझना इसको ग्राफिकली भी समझें तो कुछ ऐसा है इसका फंडा ठीक टू पर टू पर ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म है टू से छोटी वैल्यू पर ये देखो क्या दे रहा है बेटा माइनस वन ये माइनस वन है ये और टू से ठीक बड़ी वैल्यू पे क्या दे रहा है प्लस ऐसा अब ये ग्राफ में आपको दिख रहा है इतना बड़ा टूटा हुआ ये ये कभी जुड़ ही नहीं सकता था ये कभी जुड़ ही नहीं सकता था आपको समझ में आया टू से पहले ये माइनस वन दे रहा है और टू के बाद ये प्लस वन दे रहा है पर इससे एक चीज और समझ में आ गई पर इससे एक चीज और समझ में आ गई कि टू के बाद में थ्री फोर या इसके बीच के ये ग्राफ स्मूथली जा रहा है ये भी जा रहा है पर टू पर ठीक ये ब्रेक हुआ है तो टू पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं लिमिट नहीं है

हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल हो इज नॉट नेसेसरी इज दैट क्लियर तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई कि ये फंक्शन में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ना ये कंटिन्यूस है ना ये डिफरेंशियबल है अब अगला क्वेश्चन खुद से करिए क्या अगर मैं यहां थ्री देता तो क्या होता समझना बात अगर मैं यहां थ्री देता तो क्या होता तो हम थ्री पे देखते हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा तो अगर यहां थ्री होता तो मैं देखो आपको समझाता हूं अब आपको अलग से लिखने की जगह मैं यहां लिख रहा हूं यहां थ्री ले लेता यहां पर भी बेटा थ्री ले लेता यहां पर भी थ्री हो जाता चलो पूरा लिख लेते हैं उससे थोड़ा और अच्छा रहता आप लोगों के लिए मान लो थ्री होता तो क्या करता अब इसको रफ कर दिया थ्री होता तो देख के समझ में आ रहा है कि थ्री के साथ अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं तो थ्री के लेफ्ट और राइट पर इसमें कहीं ब्रेक नहीं हो रहा यानी थ्री पर इसकी कंटिन्यूटी भी है और लिमिट मिनट की बात करते बात अब अब हैं तो हुआ शॉर्ट में लिखता हूं ये लेफ्ट लिमिट है यही तरीका है। आप इतनी लंबी लंबी स्टेप लिखते हैं जरूरत नहीं है वन माइनस एच अपॉन वन माइनस एच ये वन माइनस एच मिलेगा ये भी ये कैंसिल होकर वन आया आना भी था वन क्योंकि ये 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 पर जा रही थी ये प्लस वन है ये वन है अच्छा जब आपने ली तो हो गया वन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और अगर ये क्वेश्चन थ्री के साथ लिमिट में आया होता अलग से सोचना ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया होता तो हम इसका आंसर वन लिख सकते थे अगर अच्छा, लिमिट तो होती, तो होती तो अच्छा कंटिन्यूटी होती है समझना एक एक बेसिक लॉजिक कंटिन्यूटी का ये होता है जिस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो फंक्शन कंटिन्यूस होता है ध्यान रखे ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर डिफाइंड वैल्यू को कई बार हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं आप जैसे मान लो मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है सुनना जरा ध्यान से वैसे ये प्योरली कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर ये कंटिन्यूटी के लिए क्वेश्चन होता तो कुछ ऐसे देते आपको मैं अभी बता देता हूं ठीक x नॉट इक्वल टू या वो तो लिखा ही होता एट x इक्वल टू थ्री दिस इज वन चेक एट x इक्वल टू थ्री कंटिन्यूटी अब हमें पता है ये दोनों इक्वल है और थ्री पर ठीक क्या है थ्री रख दो थ्री रख के यहां पे भी दिख रहा है आपको क्या मिल रहा है वन तीनों इक्वल है बेटा थ्री माइनस एच थ्री और थ्री प्लस एच तो ये कहलाएगा कंटिन्यूस भी यानी ये कंटिन्यूटी भी इसमें आपको देखने को मिल रही है यस और नो कोई इसमें कंफ्यूजन ऑब्वियसली नो तो आपको एक छोटा सा लॉजिक है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब बात आती है डिफ्रेंशियबिलिटी की तो अगर बात डिफ्रेंशियबिलिटी की आती है तो आपको केवल ये जो वैल्यू निकाली है एफ वन भी एफ थ्री भी निकाल लिया इसको फॉर्मुले में जाके पुट करना होता है तो अब आप फॉर्मूले में पुट करते तो क्या होता आप लिखते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आप लिखते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते एफ थ्री माइनस एच माइनस एफ थ्री अपॉन माइनस एच तो वन माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच ये जीरो आ जाता ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते तो एफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री अपॉन माइनस एच ओ सॉरी प्लस एच तो ये भी वन माइनस वन अपॉन एच आता जीरो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल है यानी डिफ्रेंशियबल भी इतना सिंपलेस्ट कंसेप्ट है आप करने की कोशिश करना एक बार और पहले बेसिक क्वेश्चन करना डायरेक्ट प्रॉब्लम पे मत जाना उससे आपका कंसेप्ट भी बनेगा और क्लियरिटी भी आएगी अब देखो आप आपको दिख भी रहा है जीरो आया ना डीवाई बाई डी एक्स स्लोप स्लोप जीरो आने का मतलब है पैला टू तो एक्स एक्सेस लाइन वो दिख भी रही है यानी बेसिक फंडा अगर आपका एक बार क्लियर हो जाए तो आपसे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अच्छा अब इसी क्वेश्चन में मान लो थोड़ी देर के लिए थ्री के प्लेस पर वन लिख देता थ्री के प्लेस पर अगर मैं वन लिख देता तो क्या होता तो अगर थ्री के प्लेस पर मैं वन लिख देता तो सिंपली देखिए क्या होता अगर थ्री के प्लेस पर वन है तो आप बोलते एफ वन प्लस एच पहले वन माइनस ले लो चलो आदत में तो वन माइनस एच माइनस टू अपॉन वन माइनस एच माइनस टू ये मिला माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच माइनस वन ऊपर से ये निकलेगा नीचे से माइनस कॉमन ये देखो माइनस वन दिख भी रहा है ऐसा नहीं है वन का मतलब ये यहां कहीं होगा टू का तो ये पॉइंट है वन यहाँ है तो देखो वन पर लेफ्ट और राइट right पर माइनस वन है ग्राफ से भी पता चलता है यानी जितना स्ट्रांगली टॉपिक को पढ़ोगे जितना कंसेप्ट बना के पढ़ोगे उतनी जल्दी क्लियरिटी आएगी अब ऐसे ही निकालो वन प्लस एच तो वन प्लस एच माइनस टू अपॉन वन प्लस एच माइनस टू राइट तो एक तरह से आपको मिला मॉड एच माइनस वन अपॉन एच माइनस वन अब कोई भी बच्चा एक गलती कर सकता है इसलिए मैंने ये केस जरूर लिया कि अगर गलती से किसी ने इसको ऐसा लिख दिया तो आप बोलोगे वन और ये प्लस वन और माइनस वन तो कंटिन्यूस ही नहीं वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही यानी कंटिन्यूस नहीं हुए बट ये गलत लिखा है मॉड से निकली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है और यहां पर बहुत केयरफुल रहना है कि अगर मॉड ए माइनस बी लिखा है तो ये ए माइनस बी होगा या ये बी माइनस ए होगा डिपेंड करेगा कि अगर ए माइनस बी होगा अगर ए ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी दिया हो और बी माइनस ए होगा अगर ए लेस देन बी दिया हो तो एच माइनस वन एच माइनस वन नहीं हो सकता क्योंकि एच माइनस वन का रिजल्ट एच तो बहुत छोटा नंबर है बेटा जीरो के आसपास

यहां मिलती जीरो मिलता डी वाई बाई डी एक्स दोनों केसेस में क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन तो अगर आप इस कंसेप्ट से कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और समझ में आ गया कि अगर सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आगे तक का यह लॉजिक बन जाना चाहिए कि अगर सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन है जैसे एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स तो आप तुरंत लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट है ना डज नॉट एग्जिस्ट अब अगर मान लो इसके अलावा कोई तो ये एग्जिस्ट करेगा तो ये मिलेगा वन, और इसका क्या? जीरो इसका ब्रेकिंग जीरो. पॉइंट जीरो के राइट पर प्लस वन और जीरो के लेफ्ट पर मान लो मैं ऐसा पूछता तो इमीडिएटली आंसर आप बोलते माइनस वन राइट कंटिन्यूस भी है डिफ्रेंशियबल भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है अगर ऐसा है मान लो लिमिट एक्सटेंस टू फोर अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट फोर है अगर ये दिया हो तो डज नॉट एग्जिस्ट यस नो पर अगर यही फाइव पे दे दें ऐसे पढ़ोगे तो आपको कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस वन अगर टू पर दे दें तो माइनस वन <coughs> तो एक ही फंक्शन में ये सब चीजें मिल सकती है डिपेंड ऑन क्वेश्चन <laughs> यानी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करोगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी अगर आप बिना समझे करोगे तो दिक्कत होगी तो क्वेश्चन का ग्राफ भी बनाओ फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फंक्शन से उसके लॉजिक पढ़ाओ और डिटेल में पढ़ो बेस पे जाके पढ़ो ट्रिक्स मत ढूंढो ट्रिक्स तो जब आप कंसेप्ट बना लोगे तो जो ट्रिक्स बनेंगी उससे अच्छी ट्रिक्स जीवन भर काम बन ही नहीं सकती वो सबसे बेस्ट तरीका अब जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन है इस पे भी आते हैं तो आपको अब आप समझ में आ गया होगा कि कभी भी कंटिन्यूटी लिमिट और डिफ्रेंशिविटी का क्वेश्चन करना है तो एक बार शॉर्ट में हम लास्ट रिविजन करते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं क्या करना होगा अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स एथ एक्स इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन दिया है तो अगर लिमिट की बात करें तो f a माइनस एच और f a प्लस एच लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज ये इक्वल होना चाहिए अगर लिमिट की बात कर रहे हैं तो ये इक्वल होना चाहिए यदि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम एफ ए माइनस एच एफ एफ ए प्लस एच होना चाहिए एच का मतलब जीरो और अगर डिफ्रेंशिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ये होना चाहिए क्लियर है बात यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो लिमिट एक्जिस्ट करेगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंडेट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव इतना छोटा सा कंसेप्ट है अब जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया इसके मैंने ऑप्शन रख कर दिए फॉर ऑल डिस कहां होगा ये पूछा है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको दो बार कंडीशन चेक करनी पड़ती है एक इंटीजियर पर और एक नॉन इंटीज पर यह बेसिक लॉजिक है ये सीख लोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी समझिएगा मैंने क्या बोला जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दो जगह जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो लिमिट x टेंस टू थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमें क्या करना है एक बार थ्री प्लस एच निकालना देखो ये डायरेक्ट तरीका होता है थ्री प्लस एच थ्री पे ठीक थ्री होगा और थ्री प्लस समथिंग पे भी थ्री और एक बार थ्री माइनस एच निकालना देखिए क्या हुआ थ्री माइनस कुछ तो टू यानी ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा यस और नो बस यही कॉन्सेप्ट आपको बाकी क्वेश्चन में भी लगेंगे पर यहां पर आप डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे कि नहीं क्योंकि यहां कॉस भी है इसको भी हमें चेक करना होगा मैं उसका बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक आपको समझाता हूं कि दो कंडीशन ले सकते हैं हम एक बार इंटीजर ले सकते हैं एक बार नॉन इंटीजर ले सकते हैं दोनों केस में क्या आंसर होगा वो हमें बताना होता है अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे फाइव बाई टू पर पूछता तो क्या होता बेटा बताओ फाइव बाई टू मतलब फाइव बाई टू प्लस एच करोगे तो भी टू मिलेगा और फाइव बाय टू माइनस एच करोगे तो भी टू मिलेगा यस और नो यानी यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब यहां पर फंक्शन यहां पर फंक्शन कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबिलिटी भी आते हैं हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं कि नहीं उस पर भी आते हैं पर यह समझ में आया अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी हमें ये बता देता है मैंने टाइप ऑफ फंक्शन में भी वही लिया जिसमें हाईएस्ट कंफ्यूजन होता है सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया तो देखो जीरो से वन में जीरो वन से टू में वन टू से थ्री में टू मतलब वन से टू में वन टू से थ्री में टू थ्री से ऐसा तो देखो आपको भी दिख रहा है ये माइनस है ये ग्राफ माइनस टू है टूट रहा है अब देखो जैसे मैंने थ्री पे पूछा था तो थ्री के राइट पर और लेफ्ट पर अलग अलग है थ्री के राइट पर थ्री प्लस है और थ्री के राइट पर टू है ग्राफ टूट गया ना टूट गया मतलब हो गया और जब है तो की बात कहां से आ गई या कंटिन्यूटी की बात कहां से आ गई यही चीज यहां पर लगती है पर जब आप टू पॉइंट फाइव पे जाते हैं फाइव बाई टू टू पॉइंट फाइव मैं आपको कंसेप्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं टू पॉइंट फाइव पे तो यहां हो गया टू पॉइंट फाइव तो इसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस हो गया तो ये इसके सेप्ट होते हैं जो हमें समझना है जो हमें करने राइट right? तो जब कभी भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके जैसे आंसर था नो एक्स नो इंटीजर ऑल एक्स इस तरह के ऑप्शन थे तो हम इसको देखते हैं क्या होगा अच्छा कॉस के साथ ये होता है कि कॉस में यहां पर दिया है 2x एक्स माइनस वन अपॉइंट टू इंटू राइट अब हम एक काम करते हैं इसको किसी इंटीजर पे चेक करते हैं और एक बार कोई नॉन इंटीजर पे चेक करते हैं कंक्लूजन अपने आप मिल जाएगा मान लो इंटीजर पे चेक करना है मुझे यह समझाने का तरीका है टू पे चेक करना है तो क्या होगा टू बोलो टू कॉस टू फोर माइनस वन बाय टू इंटू पाई याद रखना कॉस एन पाई बाई मतलब भैया ऑट अगर हो कॉस पाई बाई टू का मल्टीपल हमेशा जीरो होता है क्या मिला टू कॉस थ्री पाई बाई टू यस और नो ये जीरो हो गया अगर हम टू प्लस एच ले लेते तो क्या होता ये क्वेश्चन आता दिमाग में और अगर हम टू माइनस एच ले लेते तो क्या होता यानी इंटीजर पे तो किसी भी इंटीजर पे ये जीरो है है? अब इंटीजर के अलावा कोई बात करते हैं। मान लो कि मैं बोलूं आपसे आप फाइव बाय टू पर निकालो तो क्या होता है इच्छा इसका टू ही मिलता है फाइव बाय टू पर बोला है तो आप ऐसा लिखते हैं फाइव बाय टू बोलो फाइव बाय टू कॉस फाइव इंटू सॉरी एक्स टू इंटू फाइव बाई टू माइनस वन अपॉन टू इंटू ठीक है ये टू मिल गया ये कॉस ये कैंसिल ठीक ये कितना मिला फाइव माइनस वन फोर फोर बाई टू टू पाई यस और नो चेक करिए कितना मिला फाइव माइनस वन फोर फोर बाय टू टू पाई cos टू पाई कितना होता है cos टू पाई होता है वन तो रिजल्ट कितना मिला आपको मिल गया टू यानी आपको करना क्या है वो एक चीज समझनी है बस अच्छे से यस yes. तो क्या वैल्यू मिल गई इसमें टू इसका मतलब आप अगर ध्यान दें तो इंटीजर पे जीरो मिल रहा है और फ्रैक्शन पे एक कोई वैल्यू मिल रही है अब फाइव बाई टू के लेफ्ट और राइट पे लोगे तो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें है ना फाइव बाय टू माइनस समथिंग लेते प्लस समथिंग लेते कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ही आप टू प्लस और टू माइनस लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप टू प्लस एच लेंगे तो यहां पर टू प्लस एच पे ही टू होगा पर यह रिजल्ट तो जीरो होगा क्योंकि यहां पर एन पाई है तो इसका मतलब ये रिजल्ट इस पर भी जीरो है और इस पर भी लेफ्ट और राइट पर इक्वल है यानी फंक्शन की लिमिट एक्सेस कर रही है यानी आप पूछा है कि डिसकंटिन्यूअस एल तो आप बोलोगे नो एक्स कोई भी एक्स ऐसा नहीं है मैंने एक लिखा भी था शायद कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पर ये डिस्कंटिन्यूस हो फिर समझिएगा आप कोई भी इंटीजर ले लें जो मर्जी वो इंटीजर ले लें इंटीजर के आसपास जब आप एक्चुअल में क्या होता है जब आप इंटीजर लेते हैं ऐसा लिखोगे X विलोंग टू इंटीजर तो क्या होता है कि एक बार आप लेते हैं जैसे मान लो इंटीजर में मैंने लिया सपोज x की वैल्यू ली थ्री तो एक बार आप लोगे थ्री प्लस और एक बार लोगे क्या बेटा थ्री माइनस है ना तो थ्री प्लस एच पर या थ्री माइनस एच पर इसमें फर्क पड़ेगा पर यहां पर क्या होगा टू इंटू थ्री प्लस एच माइनस वन बाय टू इंटू पाई होगा एस टेंस टू जीरो ही है अच्छा यहां पर मिलेगा थ्री पर ये जीरो होगा तो रिजल्ट जीरो इस सेम थिंग यहां पर ये मिलेगा टू पर क्या होगा टू इंटू थ्री माइनस एच माइनस वन बाय टू फाइव ये क्योंकि जीरो ये क्योंकि जीरो और इंटू टू तो भी रिजल्ट जीरो यानी इंटीजर पर भी एक लिमिट एक्जिस्ट कर रही है कंटिन्यूस है और नॉन इंटीजर पर तो दिख ही रहा है क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट पर इसकी वैल्यू वही होगी तो इसका मतलब ये एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूस फंक्शन है अगर केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो नहीं होता पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए आप बोल सकते हैं नो वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी की कोई भी वैल्यू नहीं जिस पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाए तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसमें उलझने की जगह एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर वैल्यू ले लें आप खुद कंक्लूजन दे सकते हैं या फिर इस तरीके से उसको फ्रेमिंग किया जा सकता है देखो यहां एच की जगह जीरो रखा सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू ये भी जीरो ये भी जीरो ये अलग बात है कि ये थ्री मिला ये टू मिला ये इसका बेसिक लॉजिक है ओके नोट करिए क्वेश्चन को यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए देखिए में क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन है माइनस टू साइन एक्स एक स्टेप में करेंगे इफ प्लस पाइव बाई टू के बीच में ए साइन एक्स प्लस बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू पाइव बाई टू पर यह कॉस एक्स है आपको केवल यह बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एवरी बियर इज कंटिन्यूस एक ये से कनेक्ट हो रहा है और एक ये भी ये कनेक्ट हो रहा है पाई बाई टू पर ये कनेक्ट हो रहा है माइनस पाई बाई टू पर समझना अगर मैं ठीक माइनस पाई बाई टू लू तो ये फंक्शन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इक्वल टू यहां लिखा है और क्या होगा ये ये होगा माइनस टू इन टू साइन माइनस पाई बाई टू यस और नो ऑप्शन से भी हो जाएगा पर सीखो तो टू तो साइन पाई बाई टू दिस इज टू अब माइनस पाई बाई टू प्लस एच इससे थोड़ा ज्यादा इसके पीछे तो यही फंक्शन है इसके आगे यहां पर देखो ये लिखा है तो यहां पर आ गए अब इसको लिखा जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे ए इंटू साइन माइनस पाई बाई टू प्लस एच प्लस कैपिटल बी राइट अब चाहो तो इसका माइनस कॉमन ले लो है ना आप इसका माइनस बाहर लिख दोगे तो साइन पाई बाई टू माइनस एच वो होता है कॉस एच पर आगे माइनस आना ही है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा मतलब ये ऐसा मिल गया माइनस ए कॉस एच प्लस ऑफ बीस ओर नो राइट अब एच की जगह जीरो रखना है तो ये मिल गया माइनस ए प्लस बी और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एवरीवेयर कंटिन्यूस बोला है तो टू इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अब चाहो तो इतने में ऑप्शन रख सकते हो आंसर मिल जाएगा बट पूरा भी करना हो तो ये एक एंड हुआ दूसरा एंड अब पाई बाई टू पे आओगे ठीक पाई बाई टू पे आए तो ये फंक्शन लोग अब पाई बाई टू प्लस एच मत लिखना क्योंकि ग्रेटर देन के बाद है प्लस वाला यहां नहीं होगा अब माइनस पे आना माइनस के लिए ये है तो एफ पाई बाई टू माइनस एच यानी यह यहाँ पर ऐसा लिखोगे ए साइन पाई बाई टू माइनस एच प्लस बी साइन नाइनटी माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एच की जगह जीरो रख दो तो ये मिल गया ए प्लस बी तो इस दोनों ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ए प्लस बी जीरो है यानी ए की वैल्यू माइनस बी है रख दो एक ही जगह माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस तो टू बी तो बी तो आ गया वन तो ए कितना आ गया माइनस वन ये दोनों वैल्यू आ गई ए माइनस वन एंड बी इज वन दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर अगर एक बार आपने इसका स्ट्रांग कंसेप्ट बना लिया तो यही जो आपको लग रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड इजिएस्ट हो सकते हैं चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एक्स इक्वल टू इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई अल्फा इज अब देखो अगर कभी ये बोला है कि पाई बाई पे कंटिन्यूस है तो एक लॉजिक ये है कि इसका मतलब ऐसा होता है समझना कि ये एक्सटेंस टू पाई बाई टू पर आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं ये थ्री दिया हुआ है, ये मतलब है यानी एफ थ्री माइनस एच और एफ थ्री प्लस एच भी इक्वल होंगे आपको सब नहीं करना पर किसके एफ थ्री एफ हाँ सॉरी थ्री लिख दिया एफ फाइव बाई टू माइनस एच एफ फाइव बाई टू प्लस एच और एफ पाई बाई ये सब इक्वल होंगे और थ्री के होंगे तो इतना सब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन सब में टाइम वेस्ट मत करो अगर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस दिया तो लिमिट एक्सिस्ट कर रही है आप एल हॉस्पिटल से कर दो पाई बाई टू रखने पर देखो जीरो बाय जीरो की फॉर्म में कर दो डिफ्रेंशिएट तो अल्फा साइन एक्स अपॉन माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स की आगे पाई बाई टू रख दो तो अल्फा इक्वल टू माइनस सिक्स विद इन अ सेकंड निकल सकता है जिस क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए फंक्शन इज कंटिन्यूस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब आप इसे एल हॉस्पिटल से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द फंक्शन एफेक्ट इक्वल टू मॉडेक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एटैक्स इक्वल टू वन द फंक्शन एफेक्ट बताना है कौन सा ट्रू और फॉल्स है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है समझने वाला क्वेश्चन है द फंक्शन इक्वल टू मॉडेक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एटैक्स इक्वल टू वन अब मॉड एक्स फंक्शन जो है थोड़ा सा समझना कभी भी अलग से समझा रहा हूं मॉड एक्स फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियबल होते हैं जैसे इसका ब्रेकिंग पॉइंट जीरो से इक्वेट करो जीरो है क्यों वो भी बता देता हूं मॉड एक्स माइनस टू तो ये कहां पर डिफरेंशियबल नहीं होगा टू पर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव कहां पर नहीं होगा माइनस फाइव पर पर इसके अलावा ये एक्सेप्ट जीरो एवरीवेयर डिफरेंशियबल

आप क्या करोगे बताइए आप सिंपली आप सिंपली ये करोगे कि लिमिट मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है मैं आपको ट्रिक बताता हूं आप मान लो इसी की बात कर रहे हैं तो एट जीरो पे देखना हो मान लो तो जीरो पर जीरो जीरो प्लस एच पर मॉड एच यानी एच मिला जीरो माइनस एच पर मॉड माइनस एच ये जीरो माइनस एच है ना तो ये मिला एच अगर एच की जगह जीरो 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 दें। ट्रिक सीखेगा। एच की जीरो 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 तो कंटिन्यूटी मिल गई कंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं है कंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं है यस तो कंटिन्यूटी की, की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ये तरीका होता है अब इसी चीज को ये जो निकाली हुई है इसी को आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरीवेटिव रख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या ए माइनस एच एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच ये माइनस वन मिला राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बेटा एच माइनस जीरो अपऑन एच ये देखो प्लस वन मिला लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इसलिए डिफरेंशियबल नहीं है ग्राफ से भी समझ में आता है क्योंकि ऐसा पीक मिल रहा है तो डिफरेंशिएशन ये इधर नीचे जा रहा है इधर के राइट पर इधर जीरो के लेफ्ट right पर इधर तो कंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं है डिफ्रेंशियबिटी की अच्छा यही क्वेश्चन एट टू पे बोला होता तो क्या होता तो भाई टू पे बोला होता तो एफ टू 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 प्लस एच टू प्लस एच मतलब टू प्लस एच ही लिखते टू माइनस एच टू माइनस एच ही लिखते एच की जगह जीरो 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 तो टू 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 कंटिन्यूटी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखना आ जाओ अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखूं, तो क्या होगा टू प्लस एच माइनस टू टू प्लस एच माइनस टू अपॉन एच क्या मिला प्लस वन इस पे आओ टू माइनस एच माइनस टू अपॉन माइनस एच ये भी देखो वन ये मिल गई डिफरेंशियबलिटी यानी मॉडुलस फंक्शन में एक सीधा लॉजिक हुआ कि मॉड एक्स माइनस ए हो तो इसको जीरो से इक्वेट करो ए को छोड़कर हर जगह पे ये डिफरेंशियबल हो सकता है केवल ए पे नहीं होगा ये इसका तरीका यही जैसे अब डीवाई बाई डी एक्स पूछा जाए तो प्लस वन मिल गया अच्छा यही क्वेश्चन को मैं माइनस टू पे पूछ लेता तो आपको पता क्या मिलता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन मिलता तो अगर आपसे कभी d by dx ऐसा पूछा हो mod x at x equal to a zero तो आप लिखते नॉट डिफरेंशिएबल यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता d by dx mod x at x equal to two या zero के बाद तो आप plus one लिख देते और यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता तो आप minus one लिख देते ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब तक आप बना के नहीं पढ़ेंगे बेसिक से जाके नहीं पढ़ेंगे डिटेल में जाके नहीं पढ़ेंगे अच्छे से टॉपिक को कवर नहीं करेंगे प्रॉब्लम बनी रहेगी और हम में से कई लोग कई बच्चे ट्रिक्स के पीछे भागते हैं मैं बोलूंगा ट्रिक्स के पीछे कितना भी भाग लो पेपर में ट्रिक्स काम, जब तक नहीं आएंगे जब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं करोगे इस पर बहुत ध्यान दो बहुत फर्क पड़ेगा नोट कर लीजिए